Hello guys, this is Andy and you are watching my YouTube channel. So let's start the video. तो आज का जो टॉपिक है वो सनग्लास के ऊपर में है. तो सनग्लास हम सबके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे आप मान लो बाहर बहुत धूप है, उस धूप से आपको आंखों को बचाने के लिए भी आप सनग्लास यूज़ करते हो और धूल मिट्टी से बचने के लिए भी आप सनग्लास यूज़ करते हो, है ना. तो चलिए जानते हैं सनग्लास के ओरिजिन के बारे में. 1913 में सर विलियम क्रूक्स ने इसको आविष्कार किया था. और इस सनग्लास का जो लेंस होता था वो लेंस यूवी एंड इंफ्रारेड लाइट को ब्लॉक करता था. अब ये इंफ्रारेड लाइट होता क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो डायरेक्ट सन से आता है. और ये रेडिएशन हम ह्यूमन की जो आँखों होता है उस आँखों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. और उस ज़माने का जो सनग्लास का जो फ्रेम होता था वो ज़्यादातर तार का बना होता था. फिर 1920 में सनग्लास का पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि तब का जो एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस थे वो ज़्यादा पहनते थे उसके, क्योंकि तब की जो फोटोग्राफी का जो फ्लैश बल्ब था उस फ्लैश बल्ब की फ्लैश से अपनी आँखों को बचाने के लिए ही ज़्यादा यूज़ करते थे. तो इसके लिए 1920 में सनग्लास का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया. फिर 1936 में आया एविएटर. 1936 में एविएटर को बनाया था रेबेन कंपनी ने. तो रेबेन का जो लेंस था वो पोलराइज था और ये स्पेशली बनाया गया था यूएस की एयरफोर्स के लिए. वैसे 1937 में वो पब्लिकली लॉन्च किया था और ये आज के ज़माने में भी बहुत फेमस एक सनग्लास है.